नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी की एक कविता सीखेंगे और कविता का नाम है घड़ी। और इस कविता में इस लड़के को एक जन्मदिन पे गिफ्ट मिलता है और क्या मिलता है उसे? उसे मिलती है एक घड़ी। आपके जन्मदिन पर आपको भी आपके मम्मी पापा कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देते हैं ना? क्या देते हैं? अच्छा, कभी नए कपड़े लेके देते हैं, कभी कोई खिलौना लेके देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जन्मदिन पर पता आपको कोई भी गिफ्ट दे सकता है। क्या कभी कभी तो मिठाई बना दी मम्मी ने, तो वो भी आपके लिए गिफ्ट ही हुआ ना? तो आज हम देखेंगे कि ये लड़का क्या कह रहा है, उसके जन्मदिन पर उसको जो घड़ी मिली है वो कैसी है। आपने देखा है ना, घड़ी कैसी होती है, टिक 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 आवाज करती है, और घड़ी में दो सुइयां भी होती है, और उसके वजह से हमें समय का पता चलता है। चलो फिर मेरे साथ बोलो ये कविता। जन्मदिन के अवसर पर मिली मुझको एक घड़ी। बोलो, जन्मदिन के अवसर पर मिली मुझको एक घड़ी। टिक 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 शोर मचाती, दो सुइयों से समय बताती। बोलो, टिक 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 शोर मचाती, दो सुइयों से समय बताती। पहन कर उसको हाथ में सूट बूट साथ में, पहन कर उसको हाथ में सूट बूट साथ में, हाथ में लगती सुंदर बड़ी, मिली मुझको एक घड़ी। कैसी लगी आपको ये कविता, अच्छी लगी? चलो एक बार वापस बोलते हैं। जन्मदिन के अवसर पर मिली मुझको एक घड़ी। टिक 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 शोर मचाती, दो सुइयों से समय बताती। पहन कर उसको हाथ में सूट बूट साथ में, हाथ में लगती सुंदर बड़ी, मिली मुझको एक घड़ी। बच्चों, आपको भी ये कविता याद करनी है। अच्छा, फिर हम मिलते हैं किसी एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए बाय।